आउज़ बिल्लाह मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, एसएलएस स्टूडेंट फॉर वन क्लास, आई एम योर टीचर ऑफ कंप्यूटर साइंस। बच्चों ओके बच्चों, ये आप लोगों के सामने बुक है। हम लोग यूनिट नंबर 4 पेंट की रीडिंग की थी, ठीक है बच्चों। आज हमने उसकी बुक एक्टिविटी करनी है, हमारा लेक्चर नंबर 6 है। तो आप लोग क्या करें, पेंसिल अपने हाथ में लें, पेज नंबर 33-34 ओपन करते हैं, उसमें हमने पेजेस पर काम राइट करना जी। एस एल एस स्टूडेंट, पेज नंबर 33 आप लोगों के सामने है, ठीक है। यहाँ पर सी ए 18 जून 2020 एंड डे है हमारे पास थर्सडे, ठीक है बच्चों। ये बिल्कुल ज़रा मैं करिए भी ले जाती हूँ ताकि आप लोगों को ईजीली कर सकें। ये है टिक द करेक्ट वन। अब बच्चों ये मैंने आपको बताया था, ये क्या है, टाइटल बार है या कलर ग्रुप। यहाँ आपको ग्रुप नज़र नहीं आ रहा ना, कलर ग्रुप तो क्या है, टाइटल बार है, इसकी टिक करें यहाँ पर, ठीक है। अब ये कह रहा है मेन्यू बार है या कलर ग्रुप। मेन्यू बार तो वो होता है जिसमें सब कुछ दिया जाता है। अब ये आपके सामने क्या है बच्चों, कलर ग्रुप है ना, तो यहाँ कलर ग्रुप पे टिक करें। अब यहाँ वो कह रहा है टाइटल बार है या रिबन टैब्स है। टाइटल बार तो ऊपर हम कर चुके हैं, यहाँ पे विंडो कंट्रोल बटन भी था स्टार्ट में, ठीक है ना। तो ये अब क्या है, ये हमारे पास है रिबन टैब्स, ठीक है ना, इसको टिक करें। अब ये है, ये क्या कह रही है, टाइटल बार है या सिर्फ रिबन है। रिबन मैंने बताया था ना पिक्चर में, अब ये सारा ये है, ठीक है ना, रिबन। अब यहाँ टिक करें ओके। नीचे एक्टिविटी नंबर 3 है हमारे पास, ड्रा लाइन फ्रॉम द आइकन्स टू द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये मैंने आपको विंडो कंट्रोल में, आप लोगों को मैंने कंप्यूटर में बताए थे। ये अब बेटर देखिए, ये मिनिमाइज का है, इसको इसके साथ मिलाएं, मिनिमाइज के साथ। और ये जो डबल स्क्वायर में होता है, ये हमारे पास रीस्टोर होता है, रीस्टोर के साथ मिलाएं। और ये जो क्रॉस का है, ये क्लोज का है, ठीक है ना, क्लोज के साथ। फिर मैं बता देती हूँ, ये हमारे पास मिनिमाइज का है, ये डबल जो है स्क्वायर में ये रीस्टोर है, और क्रॉस जो है हमारे पास क्लोज है, ठीक है बच्चों। अब 34 पेज ओपन करें जी बच्चों, 34 पेज हमारे सामने आ गया, ठीक है। इस पर सी ए 18 जून 2020 एंड थर्सडे, ठीक है बच्चों। ये थोड़ी सी जगह कम भी है तो, लेकिन फिर भी छोटा छोटा करके आपने यहीं राइट करना है, ताकि आपको पता हो कि 1 पे क्या है, 2 पे, 3, 4, 5, 6, ताकि आप लोग प्रॉब्लम ना, यहाँ पे भी आप लाइन ड्रा करके आप लोग राइट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। नंबर 1 पर वो कह रहे हैं क्या है, ये आप देखें कितनी दफ़ा आप, मैंने 4-5 दफ़ा आपको बताया, ये टाइटल बार है, यहाँ राइट करें टी कैपिटल लेटर में, बाकी स्मॉल टी आई टी एल ई टाइटल बी ए आर बार, टाइटल बार ओके। एस एल एस स्टूडेंट्स, नंबर 2 है, ये देखिए ये नंबर 2 पर क्या है, ये सारा ये क्या है, क्विक असेस टूल बार, यानी कि ये सारा ये क्विक असेस। अब क्या है, अब आप लोग स्पेलिंग राइट करें, क्यू कैपिटल लेटर में, ये यू आई सी के क्विक, फिर थोड़ी सी स्पेस देके ए डबल सी ई डबल एस एस एस, नीचे एक लाइन ड्रा कर दे, वहाँ लिखना है टूल बार टी डबल ओ एल टूल बी ए आर बार, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों को राइट नहीं करना है, लाइन लगानी है, ठीक है बच्चों। नंबर 3 पर ये देखें, ये सारा अभी हम पढ़ के आए, ये क्या है, रिबन टैप आर आई डबल बी ओ एन रिबन टी ए बी एस टैप्स, ठीक है। अब नंबर 4 ये क्या है, कलर पैलेटी, ठीक है, ये वाला सारा कलर का, यहाँ से कलर सी ओ एल ओ आर कलर पी ए एल ई डबल टी ई पैलेटी, कलर पैलेटी, ठीक है। अब यहाँ पर ये, अब आपको मैंने कंप्यूटर में दिखाया, यहाँ से शेप्स ग्रुप्स होते हैं, यहाँ से हम मुख्तलिफ शेप्स जो है वो ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ राइट करें एस एच ए पी एस शेप्स जी आर ओ यू पी ग्रुप, शेप्स ग्रुप, ये शेप्स ग्रुप हैं। ये कलर पैलेटी है, ऊपर टाइटल बार है, फिर क्विक असेस बार है, ये सारे रिबन हैं, ठीक है। ये कलर पैलेटी है, ठीक है, ये शेप्स ग्रुप है, और ये वाला है ड्राइंग एरिया 6 डी आर ए डब्ल्यू आई एन जी ड्राइंग ए आर ई ए एरिया, ड्राइंग एरिया, ठीक है बच्चों। ये आप लोगों के सामने अभी मैं कर सकती हूँ, आप लोग यहाँ पे भी लाइन लगा के आराम से ये राइट कर सकते हैं, जो यहाँ राइट ना हो, ठीक है बच्चों। बिल्कुल अपनी राइटिंग छोटी सी रखें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, विद बेस्ट फॉर डे टू डे, आवर लेक्चर इज़ एंड।